सिर्फ एक ट्रिक आपने जान ली तो 50 से भी बढ़िया क्रिस्पी क्रंची खस्ता तिल मूंगफली की गजब पूरी सर्दी सिर्फ 3 चीजों से घर में बनेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास सबकी पसंदीदार तिल मूंगफली की गजक, और मेरी गारंटी है ना दांतों पे चिपकेगी ना मुलायम पड़ेगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुणाल्स किचन में। सुपर क्रिस्पी क्रंची 50 से भी बढ़िया तिल मूंगफली की गजक बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी सफेद तिल। तो यहाँ मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। पूरा नाप आप उसी अनुसार करें, आपको ग्राम में नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ एक कटोरी सफेद तिल लिया है, वजन से बोलो तो 140 ग्राम के करीब मैंने सफेद तिल लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ एक कटोरी मूंगफली। ये मैंने कच्ची वाली मूंगफली ली है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और ये जो गजक बना रहे हम वो बहुत सारा कैल्शियम से, प्रोटीन से, फाइबर से, मिनरल से भरपूर होता है। अब जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है गुड़। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी क्रश गुड़ लिया है। यहाँ आप गुड़ को थोड़ा कद्दूकस कर ले या फिर चाकू से कट कर ले। इसे क्या होगा, जब आप गजक बनाएंगे तब आपको बहुत देर तक गुड़ को पकाना नहीं पड़ेगा। बड़े चंक्स लेंगे तो बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, फिर कड़वाहट सी आती है गुड़ की चाशनी में। तो ऐसे समझिए पूरा भरकर एक कटोरी जितना गुड़ लिया है। जितनी हमने तिल और मूंगफली ली है उसी अनुसार थोड़ा सा ज्यादा हमने गुड़ लिया है। वजन से बोलू तो 260 ग्राम जितना मैंने गुड़ लिया है। अब ये सब चीजों को ऐसे ही नहीं लेंगे, पहले सभी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई या पैन, इनको कर देंगे लो मीडियम और सारी एक कटोरी तिल यहाँ हम डालेंगे। लगातार चलाते हुए हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, हल्के फूले फूले हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और कच्चापन निकल जाए। हाँ, याद रखिए आपको चलाना जरूर है, तिल समान तरफ से सीख जाए, समान तरफ से रोस्ट हो जाए, ज्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे तो तिल कड़वाहट पकड़ लेगी, फिर आपको तिल की जो गजक है उसको खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत जल्दी तिल भून जाते हैं, समझिए सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको लो मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और तिल भी आपको फूले फूले दिख रहे होंगे और तिल पर हल्का सा कलर भी आ गया है। बस इतना ही तिल को हमें भूनना है। तो सारे तिल एक प्लेट में निकालेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर भूनेंगे हमारी एक कटोरी मूंगफली। बस मूंगफली को भी इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने से ना छिलका हम आसानी से हटा पाए और इसमें से कच्चापन निकल जाए। बहुत ही जल्दी मूंगफली भून जाती है, बस आपको इसमें से चटकने की आवाज आएगी, बस चलाइएगा जरूर, क्योंकि मूंगफली हर तरफ से समान भून जाए। ज्यादा देर तक इन चीजों को रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो कड़वाहट पकड़ लेगी हमारी गजक। लीजिए मूंगफली भी भून के तैयार है, इसको भी प्लेट में निकालेंगे और ठंडा हो जाने के बाद सारा छिलका हटा देंगे। अब यहाँ पर लीजिए किचन टॉवल या एक सूती कपड़ा और उस पर डालिए सारी मूंगफली और इस तरह से पकड़कर मसलिए। ऐसे करने से सारा छिलका हट जाएगा और ये देखिए इस तरह से छलनी लीजिए, सारी मूंगफली डाल दीजिए, सारा छिलका नीचे गिर जाएगा। है ना आसान ट्रिक। लीजिए तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, 1/4 कप के करीब यानी 5 से 6 चम्मच तिल हमें इसमें से निकालेंगे। इसका यूज हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी इस तिल को हम अलग रख देंगे और बचे हुए सारे तिल मिक्सी में से हल्का सा दरदरा पीस के लेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और ये देखिए आपको तिल के दाने दिख रहे होंगे, ऐसे ही आपको दरदरा करना है। तो चलिए इसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम पीसेंगे मूंगफली। अब यहाँ मूंगफली को 5 से 6 चम्मच के करीब निकालेंगे बिल्कुल साबुत इस तरह से। बची हुई मूंगफली को सिर्फ एक पल्स पर इसको दोबारा पल्स मोड दबाएंगे और मोटा मोटा पीस लीजिए। बहुत फाइन पाउडर यहाँ नहीं बनानी है ताकि बढ़िया लगता है खाने में, हल्का सा दांतों में क्रंच आता है ना तो गजक खाने में, तभी मजा कुछ और ही आता है। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार हमने दरदरा पीस के लिया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी गजक में। तो चलिए हमारी दोनों चीजें हुई है तैयार, रखते हैं अलग।
अभी आप सोच रहे होंगे कि बचा हुआ साबुत हमने निकाला है, इसका करेंगे क्या? आगे मैं आपको बताऊंगी इससे कैसे यूज करना है। अब वापस से गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन। सबसे पहले हम डालेंगे क्रश गुड़। सारा गुड़ यहीं पर डालेंगे और जैसे मैंने बताया है छोटे छोटे टुकड़े जरूर कीजिएगा, जैसे कि गुड़ फटाफट मेल्ट हो जाए। इसकी हमें बनानी है एक परफेक्ट चाशनी। आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे चाशनी आपको बनानी है, साथ के साथ इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच पानी। बहुत ही थोड़ा सा इसमें गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाए। सारी टिप्स आपको मैं बता रही हूँ, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसे आप पहली बार भी बना रहे हो ना तो इजीली बन जाएगी। बढ़िया से लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को भी मेल्ट कर लेंगे। तो गुड़ की यहाँ बन रही है चाशनी, तो फटाफट देखते हैं छोटा सा स्टेप गजक सेट करने के लिए। मैंने यहाँ लिया है इस तरह की थाली। आपके पास चॉपिंग पैड है तो चॉपिंग पैड लीजिए, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से थाली को तेल से या घी से ग्रीस कर लेंगे, जैसे कि फटाफट गजक बनते हैं हम इसको ट्रांसफर कर पाए, थाली पर इसको सेट कर पाए। ये देखिए गुड़ भी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अपनी गजक में बढ़िया से शाइन और टेस्ट आने के लिए इसमें मैं ये डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच घी। थोड़ा सा ही डालना है, इसमें ना बढ़िया से ग्लेज आता है गजक में। अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब गुड़ को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे कि जब तक इसमें बढ़िया से झाग ना आए। मैं स्टेजेस आपको दिखाती जाऊंगी। बहुत ही आसान है तिल गुड़ की मूंगफली की गजक बनाना, साथ ही साथ हेल्दी होती है। गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है, मूंगफली में प्रोटीन फाइबर है, साथ के साथ तिल में बहुत सारा कैल्शियम है। इसलिए बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही हेल्दी मिठाई है और सस्ते में घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए गुड़ में बहुत अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं, बढ़िया से पक रहा है। तो यहाँ पर आप लीजिए एक कटोरी ठंडा पानी। ठंडे पानी में बूंद गुड़ की डाल दीजिए और कुछ टाइम रुकिए। अब इस तरह से इकट्ठा कीजिए और इस तरह से खींच कर देखिए। ये देखिए अभी ना ये खींच रहा है, रपच ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है गजक के लिए ये चाशनी अभी रेडी नहीं है। अभी हमें इसे और पकाना होगा, मतलब इतना पकाकर तैयार कर लेना है कि आप इसे पानी में डालें ना तो वो टॉफी की तरह टूटनी चाहिए। वो भी स्टेप में आपको दिखाऊंगी। अब थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे, हल्का सा इसका कलर डार्क होने लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब फिर से कुछ पानी में बूंद डालिए, थोड़ा सा रुकिए, कट जैसे टूटने की आवाज आ रही है, यानी टॉफी जैसा कड़क हो गया है। इसका मतलब हमारी गजक के लिए चाशनी तैयार हो गई है। हमारी गजक होगी वो मुलायम नहीं पड़ेगी, ना तो दांतों पे चिपकेगी। अब आता है हलवाई वाले की सीक्रेट का, कि बाजार की जो गजक होती है वो इतनी क्रिस्पी क्रंची कैसे बनती है। क्योंकि हलवाई वाले इसमें डालते हैं 2 पिंच सोडा, खाना सोडा, मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सिर्फ 2 पिंच डालिए, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची आपकी गजक तैयार होगी और लंबे समय तक क्रंची बनी रहेगी। इसके बगैर भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये हलवाई मार्केट की जो गजक या चीकी होती है उसमें जरूर डाला जाता है। और ये देखिए थोड़ा सा जरा सा डालने से ही झाग आने लगेंगे। अब कुछ देर के लिए यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो हमने तिल मूंगफली दरदरे करके रखे हुए थे सारे यहीं पर डाल देंगे। अब बढ़िया सा गुड़ के साथ मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ गैस इसलिए बंद कर दिया है कि पहले सारा काम आप कर लीजिए। वापिस से गैस ऑन कर देंगे लो फ्लेम पर, क्योंकि ठंडा हो गया तो सारा मिक्स यहीं पर जम जाएगा। हमें इसे फटाफट जल्दी जल्दी गर्म में ही सेट करना होगा। और साबुत मूंगफली तिल का थोड़ा सा पोर्शन यहीं पे डाल देंगे, पीसेस देखेंगे ना तो बढ़िया लगेगी। थोड़ा सा बचा लीजिए, जब इसको पूरा तैयार करेंगे ना तो उसी टाइम यूज करेंगे। लीजिए वापिस से मैंने गैस ऑन कर दिया है, हल्का सा सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने से बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और ये दांत में चिपकता नहीं है गजक। ये टिप को आप जरूर ट्राई करें चिकी में भी। जो गजक में यह बना रही हूँ इसमें भी लीजिए, मिक्स बिल्कुल तैयार है गजक के लिए। बहुत ज्यादा ओवरकुक बिल्कुल नहीं करेंगे, सारे मिक्स को ग्रीस थाली पर डाल देंगे और जो बचे हुए तिल इस तरह से नीचे डाल देंगे, मूंगफली और तिल सारे डालकर हल्का सा कोट कर लेंगे और गर्म में ही इसे प्रेस करते हुए फैला लेंगे, जैसे कि इजीली गजक बेल पाए। अब यहाँ बेलन से बेल लेंगे, हल्का सा बेलेंगे, पूरी गजक को पतला बेल लेंगे, बहुत ज्यादा मीडियम नहीं। जैसे बाजार वाली गजक होती है ना, सेम वैसे ही हमें यहाँ बेलना है। अब फटाफट ही ये गरम में ही हल्के हल्के मार्क लगा लेंगे। आपको जितना बड़ा कितना छोटा गजक रखना है आप उस अनुसार कट लगा ले। अभी इसको अलग नहीं करेंगे, पूरा ठंडा हो जाने के बाद इसको अलग कर देंगे।
और लीजिए हमारी बहुत ही परफेक्ट मूंगफली गुड गजक है बिल्कुल तैयार, एकदम परफेक्ट सेट हो गई है और ठंडे भी। और ये देखिए आप अलग करके मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये सुनिए इसकी आवाज। बनी है ना एकदम क्रिस्पी और क्रंची। तो आज की ये गजक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।